नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें स्केटिंग कैसे सीखा जाए इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्केटिंग सीखने का सबसे प्रथम जो है कि हम किस प्रकार के स्केट्स खरीदें। तो अभी मेरे पास में ये एडजस्टेबल स्केट्स है। आपको मार्केट में एडजस्टेबल स्केट्स लेना है जो ऊपर नीचे खुल सके, पाँव के अकॉर्डिंग, शूज़ के अकॉर्डिंग लेंथ उसकी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात है, इसमें आपको जो व्हील है, व्हील वो प्लास्टिक व्हील ना लेकर रबड़ के व्हील्स आपको लेने होंगे। याद रखें, रबड़ के व्हील्स आपको लेने हैं। और ये स्केट्स हैं वो आपको मार्केट में 500 से लेकर 700-800 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद आती है सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो स्केटिंग करते समय बहुत ही आवश्यक हैं। आपके पास में स्केटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एल्बो गार्ड जरूरत पड़ेगी आपको, ये हैंड गार्ड हैं जो आपको गिरने से बचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। नी गार्ड है, दोनों घुटनों के ऊपर इनको पहना जाएगा और जिससे अगर बच्चा गिर जाता है, कोई भी स्केटर गिर जाता है, सेफ्टी होगी, उसकी चोट लगने की संभावना कम रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्केटिंग के अंदर बहुत ही ज़रूरी है वो है हेड गार्ड। ये जब भी बच्चा चाहे सीख रहा हो या चाहे चला रहा हो, मेक श्योर कि उसने हेलमेट पहना हो। चलिए बात करते हैं कि इन स्केट्स को पहना कैसे जाए। अभी गार्ड्स पहनने का तरीका देखिए, इस प्रकार से आपको ये एक बार मार्केट में ऐसे में गार्ड मिल जाएंगे। तो आपको गार्ड इस प्रकार से रेडी कर देना है सभी स्केटिंग प्लेयर को। ये एल्बो गार्ड, एल्बो की सेफ्टी के लिए। ये गार्ड है आपको, जैसे कोई बच्चा अगर गिर जाता है तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की पट्टी लगी हुई है ताकि गिरने से बच जाती है। स्प्रिंग लगा हुआ, स्प्रिंग टाइप का है ये, तो चोट लगने की आशंका बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेम इसी प्रकार हम दूसरे हैंड में पहनेंगे। देखिए, अंगूठा है, इस ये होल होगा अंगूठे के अंदर, इस होल में से अंगूठा आपने निकालना है। उसके बाद में ये गार्ड्स आपने पहन लेना है इस प्रकार से। ये सभी इक्विपमेंट्स पहन के, अब सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन के हम रेडी हैं स्केट्स करने के लिए। अब स्केट हम डाल लेते हैं स्केट्स पहन के। इसी प्रकार के एडजस्टेबल हैं, हम ऐसे पहन सकते हैं। दूसरी विशेष बात है जूते को सही, जूते कैसे लें। जूते नीचे से बिल्कुल सपाट हो ताकि ये इसके ऊपर ग्रिप अच्छी तरीके से बन जाए। कोई भी ले सकते हैं, पीटी शूज भी ले सकते हैं आप। इस प्रकार से आपने इसको बांधना है। यहाँ पर अगर आपके पास में लेसिस लंबे हैं तो यहाँ पर सिंगल नोट लगाने के बाद में नीचे से ऐसे बांध दे ताकि इसकी ग्रिप और अच्छी हो जाएगी। ये स्केट करते समय ये खुलेगा नहीं, ना ही शूज इधर से उधर होगा। चलिए, अब हम स्केटिंग, बिल्कुल बिगनर हैं, आपको स्केटिंग नहीं आती है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कैसे सीखना है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में सीखेंगे। प्रॉपर गाइडेंस में सीखने की वजह से ना तो आपके चोट लगेगी और स्केटिंग भी अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। चलिए पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने हमेशा स्केट्स पहन के आप रेडी हो गए हैं, अपने दोनों हाथ जो है घुटनों पर रखेंगे, घुटने बैंड कर लेंगे, नी बैंड होने चाहिए आपके, और सामने देखना है, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उठा के चलना है, जैसे जैसे हम पैरेलल वॉकिंग करते हैं ऐसे उठा उठा के चलना है। पहला स्टेप, ध्यान रहे
हमेशा कभी भी फर्श के ऊपर डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर नहीं जाना है, डायरेक्ट रोड के ऊपर नहीं जाना है। अभी आपने सबसे पहले प्रैक्टिस घास पे चलने की करनी है। तो सभी जैसे ये खिलाड़ी देखो बिगिनर्स हैं, ये भी घास पे चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रकार चलने से क्या होगा कि बैलेंस पता चल जाएगा, बॉडी का बैलेंस और स्केट्स पर कंट्रोल करने की हैबिट भी आपकी बन जाएगी। अभी देखिए बच्चे सब अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सामने देखते हुए करना है बिल्कुल तरीके से। याद रहे मैं कभी भी डायरेक्ट ही रोड के ऊपर और फ्लोर के ऊपर मैं नहीं सलाह दूंगा। सबसे पहले बिगिनर बच्चे को 2 या 3 दिन घास पे चलाने की प्रैक्टिस करते रहें। टर्न टर्न, पहले दिन हमने स्केट करते समय ऐसे इसी प्रकार 20 फीट की लेंथ, 25 फीट या 30 फीट की लेंथ के 10 राउंड्स लगाने हैं, 10 चक्कर आपने लगाने हैं। हाथ घुटनों पे रहने चाहिए, सामने देखते हुए इसी प्रकार से स्केटिंग करते समय हमेशा अपर बॉडी बैंड रहेगी, झुकी हुई रहेगी। इससे क्या है, एयर रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तीन दिन इस प्रकार की एक्सरसाइज घास में करने के बाद में अब परिपक्व हो गए हैं आप बैलेंस चेक करने के लिए कि बच्चे ने अभी तक आपके स्केटर्स ने फ्लोर पर उसकी बैलेंस कैसा है। अब हम चलिए हम इसको चेक करते हैं कि 3 दिनों में इन बच्चों ने क्या सीखा। हैंड डाउन स्टार्ट। जब भी आपको लगे कि यस अब बॉडी का बैलेंस बनने लग गया है, बच्चे फ्लोर के ऊपर इस प्रकार से चलने लग चुके हैं, तो हमारा स्केटिंग का पहला लेसन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अब हम स्केटिंग का पहला पार्ट हमने सीख लिया है। जब ये बच्चे इस प्रकार से चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में अब आपने क्या करना है, इसी प्रकार फ्लोर पर 2-3 दिन प्रैक्टिस और करवानी है। जैसे ही दोनों प्रैक्टिस 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तब अब हम मेन स्किल सीखेंगे कि स्केटिंग हम कैसे रोल किया जाए। इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे कि किस प्रकार आपने रोलिंग स्टार्ट करनी है। अब कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हैं स्केटिंग सीखने की, कि आपने अगर बच्चे को सिखाना है अच्छी तरीके स्केटिंग सिखानी है, और उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर देखिए जरा, हैंड बैक। सबसे पहले बच्चे दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखेंगे, डाउन, फिर बैठेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। इस प्रकार आपने 10 लमसम 10 सिट एंड 10 अप, यानी 10 सिटअप्स करने हैं, 20 टोटल 1 एंड 2। इस प्रकार से आपने ये रेगुलर ही इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डालना है जब तक कि बच्चा सीख नहीं जाता है। उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज, जब इस प्रकार से दो तीन दिन के बाद में इसके बाद में जंप की प्रैक्टिस करनी है, ये सीखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि स्किल्स कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। आइए चेक करते हैं स्किल्स कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। यस, नाउ योर हैंड्स, हैंड बोथ लाइक जंप, ओके, जंप करना, ठीक है ना। अब ये बच्चे जंप कर रहे हैं, आपने देखा किस प्रकार ये जंप कर रहे हैं। इनको भी अभी हफ्ता हुआ है सभी को लगभग, तो एक वन वीक की ट्रेनिंग के बाद में ये इतने कैपेबल हो गए कि ये जंप करने लगे हैं। जंप करने के बाद में सिंगल लेग जंप भी है, रनिंग, आफ्टर दैट जंप के बाद में आप ट्राई करना कि बच्चा आपका रनिंग कर सके। देखिए रनिंग की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है। यस, सिंपल से रनिंग, ठीक है, हैंड ओपन कर दो, ऐसे ऐसे, यस, ध्यान रहे बॉडी थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, हल्की सी बॉडी डाउन, बिल्कुल सीधे खड़े नहीं होना। अगर आप सीधे खड़े होने की ट्राई करते हैं आपके चांसेस नीचे गिरने के ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी हम फ्लोर पे या रोड पे प्रैक्टिस करेंगे, इसकी वजह से पीछे गिरने से हमारे चोट लग सकती है। चोट ना लगे इसके लिए अपर बॉडी आपको हमेशा डाउन रखनी है। इसी प्रकार से जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में ये 20 स्टेप आपने रनिंग करनी है। 20 स्टेप रनिंग करने के बाद में ये आपने अब स्टॉप कर देना है। जब ये चीज क्लियर हो जाए, अब आपका प्लेयर जो है, बच्चा जो है, स्केटिंग की स्किल्स
नंबर टू के अंदर पार्ट हिस्सा लेने जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट टू के अंदर हम बताएंगे कि स्केटिंग के अंदर हम बिगनर्स को रोलिंग कैसे कराया जाए, किस डायरेक्शन में जाए जिससे वो बच्चा अपने आप रोलिंग करके स्केटिंग सीख पाए। धन्यवाद, थैंक यू सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी, आपको हर बच्चे को स्केटिंग सिखाने के लिए तत्पर है, और जितना भी जैसा भी है जो भी नॉलेज आपको लेनी है हम दे पाएंगे। बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप, कि कोई भी समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।